हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य क्लासेस में स्वागत करता हूँ। पिछले दो वीडियो में मैंने अलजेब्रा पर चर्चा किया था और उसमें कुछ कुछ टाइप कवर्स किए थे। आज मैं अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और टाइप्स देखेंगे। वो टाइप है एक्स प्लस वन वाई एक्स इज इक्वल टू ए। अगर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, तो आप इसे कैसे करेंगे, तो इसका तो एक डायरेक्ट आप फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस फोर। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आइए देखते हैं ये कहाँ से आया। ये x प्लस वन बाई एक्स बराबर ए है, तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों तरफ माइनस टू घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस टू घटा दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू और माइनस टू। तो यहाँ पर टू है, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स लिख सकते हैं, ए और बी ये दोनों कट जाएगा तो बात वही पड़ेगा। तो इधर से मेरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस फोर हो गया। अब एक्स और माइनस वन बाई एक्स निकालना था, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस फोर। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर दिया रहेगा ए, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस फोर। उसी तरह से अगर दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के, अगर आपको पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, वही चीज़ कर देना है, अंडर रूट के का स्क्वायर और माइनस फोर। तो आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर दिया हुआ है फाइव, आपसे पूछा गया एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना होगा, तो क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, फाइव का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, फोर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस फोर, ये हो जाएगा अंडर रूट 21, हो जाएगा कि नहीं। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर फाइव था, तो फाइव का स्क्वायर हो गया, थ्री रहेगा तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, सिक्स रहेगा तो सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जितना भी रहे, ए था तो ए का स्क्वायर हो गया था। अब हम इसमें देखते हैं कि ये प्लस से माइनस में गया, अब माइनस से प्लस में कैसे जाएंगे, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर दिया हुआ है ए, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसमें क्या होता था, प्लस से माइनस में जाते थे तो यहाँ माइनस होता था, यहाँ माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो ए स्क्वायर और यहाँ प्लस फोर हो जाएगा, कुछ नहीं, सेम वही चीज़ है, सिर्फ माइनस से प्लस में गए तो यहाँ प्लस हो गया, अगर प्लस से माइनस में आते तो यहाँ माइनस हो जाता। यानी कि माइनस अगर निकालना रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, प्लस निकालना रहेगा तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर दिया हुआ है अंडर रूट 40, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर और प्लस में फोर, ये कितना हो गया, 40 का स्क्वायर, अंडर रूट 40 का स्क्वायर 40 और प्लस फोर, ये हो गया अंडर रूट 44। अगर इसको तोड़ दें तो ये हो जाएगा 2√11, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें और हम आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर आपको फोर दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं, एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स हमको पता है कि फोर है, एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स कैसे निकल जाएगा, ये अंडर रूट फोर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फोर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट कितना हो गया, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए मान, एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना निकला, अंडर रूट 12 निकला, और एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है 4। अब इससे 2 निकलेगा और ये 2√3 हो जाएगा और ये इंटू 4 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8√3। तो एक्स का स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, 8√3। इसी में आपको रिवर्स करके दिया रहता, जैसे कि अगर दिया हुआ है क्वेश्चन x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 29 और आपसे पूछा गया है x का क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है अंडर रूट 29, अगर x माइनस वन बाई एक्स दिया रहता तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये जो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का मैंने फार्मूला जो बताया था पिछले वीडियो में, उससे आप कर लीजिएगा। लेकिन x माइनस वन बाई एक्स पहले निकालना पड़ेगा ये बनाने के लिए, तो x माइनस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि जितना है उसका स्क्वायर कर दीजिए, √29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और माइनस 4 लगा दीजिए, माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का। अब एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू निकालना है, तो क्या मैंने बताया था, a का क्यू अब माइनस 3 इंटू ए, ये हो जाएगा, ये कितना बराबर हो जाएगा, x का क्यू माइनस 1 बाई एक्स का क्यू, इसका आंसर हो जाएगा 125 माइनस 15, तो ये हो गया 110। 110 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का बहुत सारे हो सकते हैं इस टाइप में, और अगर आपको 5 का पावर दिया रहे, 7 का पावर दिया रहे, तो आप कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। अब आगे अगला टाइप देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। x प्लस वन बाई एक्स अगर दिया हुआ है अंडर रूट 20, अगर आपसे पूछा गया x का पावर 5 माइनस वन बाई एक्स का पावर 5 क्या होगा, तो अगर ये निकालना है तो आपको 5 का पावर है दिया हुआ, तो यह कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2 का पावर और 3 के पावर की मदद से। तो इसका आप अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का क्यू माइनस 1 बाई एक्स का क्यू प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये हो जाता है इसका। तो x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर निकालना है आपको, तो यहाँ तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, इसका क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि अंडर रूट 20 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 ये हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और माइनस 2 18 हो गया, तो आप इसको यहाँ पर 18 लिख दीजिए इसमें इंटू, अब x का क्यू माइनस 1 बाई एक्स का क्यू है, तो सबसे पहले आपको x माइनस वन बाई एक्स निकालना पड़ेगा, तो x माइनस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, ये मैंने अभी बताया था अंडर रूट 20 का स्क्वायर यानी कि 20, और यहाँ माइनस 4 हो जाएगा यानी कि अंडर रूट 16 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स 4 निकल गया, तो x का क्यू माइनस वन बाई एक्स का क्यू निकल जाएगा, x का क्यू माइनस वन बाई एक्स का क्यू कितना हो जाएगा, 4 का क्यू अब माइनस 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 12 यानी कि 52, एक्स का क्यू माइनस वन बाई एक्स का क्यू 52 आ गया, तो यहाँ पर इसके जगह पर 52 लिख देंगे, और एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना आया था, ये आया था 4, तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, ये दोनों को इंटू करके 4 जोड़ देंगे, यानी कि ये दोनों को यूनिट डिजिट को इंटू करेंगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16,
और बाकी में इधर जो डिजिट आएगा प्लस 4 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरा, 0, जिसके अंत में 0 है उसको आंसर मार के आ जाएंगे। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं एक्स के पावर 7 रहता तो किस तरह से करते, एक्स के पावर 7 रहता तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स के पावर 7 में ही जिस तरह से एक्स के पावर 5 निकालें उसी तरह से एक्स के पावर 7 निकल जाएगा। इसका किससे किससे हो जाएगा, 3 और 4 से। ऐसा लेना है कि दोनों का डिफरेंस 1 हो और दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए या तो 5 आ जाए। तो 5 का लेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1 और दोनों को ऐड करने पर 5। यहाँ पर भी दोनों का डिफरेंस 1 और ऐड करने पर 7 हो जा रहा है। अगर 9 रहता तो क्या लेते, 5 और 4 लेते, लेकिन 9 का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, 7 तक काफ़ी है। तो एक्स का पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 7 अगर आपको निकालना है तो क्या करिएगा, एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब हो जाएगा और इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4। किसी आप एक में माइनस या प्लस ले सकते हैं, इसमें अगर माइनस लेते हैं तो इसमें प्लस, इसमें प्लस लेते हैं तो इसमें माइनस, और आपको यहाँ पर प्लस क्या कर देना है माइनस वाला में, एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स अगर 20 दिया हुआ है तो एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब कितना, क्वेश्चन दिया गया है एक्स का, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √13 पूछा गया है, एक्स का पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 7। अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को, मैंने बार बार बताया है कि अगर 7 है तो इसको 4 और 3 के रूप में तोड़ना है। 4 और 3 के रूप में क्यों तोड़ना है, ऐसा हमको तोड़ना है दो संख्या में, क्योंकि ये दोनों का इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों का डिफरेंस 1 हो और दोनों को जोड़कर 7 आ जाए। जिस तरह से 5 को तोड़े थे, 5 का 2 और 3 था, दोनों का डिफरेंस 1 और दोनों को जोड़कर 5 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 3 में तोड़ना है, तो इसका हो जाएगा क्या, एक्स का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4। अगर हम यहाँ माइनस लेंगे तब ना एक्स का पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 7 का फार्मूला आएगा, और प्लस क्या कर देना है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो अगर इसका निकालना है तो इसका निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √13 का क्यूब माइनस 3 इंटू √13। तो √13 का क्यूब कितना हो जाएगा, √13 का क्यूब करना है और माइनस 3 इंटू √13 करना है, तो ये हो जाएगा 13√13 और माइनस 3√13, तो ये हो जाएगा 13 में से 3 जाएगा, 10√13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 10√13 लिख दीजिए। और एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 है, इसका निकालना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से तो यहाँ नहीं जा सकते हैं, तो आइए इसको देखते हैं इसको कैसे निकलेगा, 1 बाई एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4। ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर यहाँ से आसान से निकाल सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 11 हो गया। और इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, इससे हम बताए थे, इससे में इंटू में जाने के लिए क्या बताए थे, अंडर रूट क्या कर देना है, 11 का स्क्वायर और माइनस 4 कर देना है, तो ये 11 इंटू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 121 माइनस 4, यानी कि 11 इंटू अंडर रूट 117 ये हो जाएगा। तो 11 इंटू 117 अंडर रूट इसके जगह पर लिख देते हैं, इंटू 11 इंटू अंडर रूट 117, इसको मिटा देते हैं। और मेरा x प्लस 1 बाई एक्स बच गया, तो इसमें प्लस कर दीजिए, इसमें अंडर रूट वही लगा के, तो 13 हो जाएगा और माइनस कितना करना है, 4 करना है, तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का रूट में 3 हो जाएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिए,
टेन रूट थर्टीन है, तो टेन रूट थर्टीन और इंटू क्या करना है, इलेवन इंटू अंडर रूट वन सेवेंटीन, तो इसको क्या कर दीजिएगा, थर्टीन इंटू नाइन हो जाएगा और यहाँ प्लस थ्री है तो रूट थर्टीन, रूट थर्टीन कितना हो जाएगा थर्टीन, और इंटू टेन इंटू इलेवन और रूट नाइन का थ्री हो जाएगा और ये प्लस थ्री है, इसको इंटू कर लीजिए, ग्यारह तीन तैंतीस, तैंतीस और गुना थर्टीन और इंटू टेन और प्लस थ्री हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 330 और प्लस 99, ये हो जाएगा 429, यानी कि ये 429 और ये 10 है तो ज़ीरो लग जाएगा और ये 3 है तो जुट जाएगा प्लस 3, यानी कि 4293 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप इस तरह से कितना भी पावर रहे, रूट सेवन रहे, रूट फाइव रहे, रूट फोर रहे, जैसा कि मैंने बताया रूट फोर का किस तरह से बनाना है, तो अगर प्लस से माइनस में जाना हो या माइनस से प्लस में जाना हो तो इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से सबका फार्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको पूरी तरह याद हो जाए। जैसे कि x प्लस वन वाई एक्स बराबर क्या था, a था, तो x माइनस वन वाई एक्स आपको से पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस फोर कर देंगे, ये पहला हो गया। दूसरा, x माइनस वन वाई एक्स अगर दिया हुआ है k, अगर x प्लस वन वाई एक्स पूछा गया है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट k का स्क्वायर और प्लस में फोर कर देना है। अगर तीसरा में, अगर x प्लस वन वाई एक्स बराबर दिया हुआ है, कुछ भी p दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा गया x का पावर फोर माइनस वन वाई एक्स का पावर फोर, तो आपको क्या करना है, इसका ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा फार्मूला, p का स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा और x का स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर और ये माइनस में फोर हो जाएगा, ये दोनों का इंटू करके जो आएगा वो